इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर का। नैनीताल जिले के लालकुआ रेलवे स्टेशन पर सीबीआई की टीम ने छापामार कार्रवाई की। टीम ने वाणिज्य अधीक्षक कार्यालय में रेलवे कमर्शियल सुपरवाइजर राजेंद्र तोमर को 7,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया, जिसके बाद देर शाम तक कार्यालय में तैनाती अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ हुई। जानकारी के अनुसार सीबीआई की 7 सदस्य टीम देहरादून की सीबीआई इंस्पेक्टर सुनील कुमार लखेड़ा के नेतृत्व में लालकुआ रेलवे स्टेशन पर पहुंची, जहां टीम ने रेलवे कर्मचारियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी। रेलवे कमर्शियल सुपरवाइजर पर आरोप है कि उसने व्यवसायी के उतरने वाले पार्सल माल को लेकर रिश्वत मांगी थी। शिकायतकर्ता बरेली निवासी राजेश पासवान ने कमर्शियल सुपरवाइजर के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, जिसको लेकर सीबीआई की टीम ने रेलवे कमर्शियल सुपरवाइजर को हिरासत में लेकर सीबीआई कोर्ट में पेश किया। लालकुआ से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। की टीम ने आज देर शाम लालकुआ रेलवे स्टेशन पर छापा मारा अभियान चलाया है, जिसमें 7 सदस्य टीम ने देहरादून से आकर लालकुआ में स्टेशन पर छापा मारा है, जिसमें एक कमर्शियल जो सुपरवाइजर है रेलवे का, उसको हिरासत में लेकर से लगातार यहां पर पूछताछ चल रही है और काफ़ी कई घंटे बीत चुके हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो कर्मचारी से पूछताछ जारी है। बताया ये जा रहा है कि किसी के द्वारा इसकी शिकायत की गई थी कि माल ढुलाई के एवज में रुपये मांगे जा रहे थे, जिसके बाद उसके द्वारा कल शिकायत की गई थी, जिसके बाद यहाँ पर सीबीआई की टीम आज यहाँ पहुंची और 7 सदस्य टीम ने यहाँ पर आकर छापेमारी अभियान चलाते हुए रंगे हाथ एक कर्मचारी को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाने की बिल्कुल तैयारी कर रही है सीबीआई की टीम। मैं मुन्ना अंसारी, MK News, लालकुआ।